क्यों बिलंगड़े, कहाँ जा रहे हैं फाइल लेके? मैडम, अगर आप फाइल उठाने में मेरी मदद नहीं कर सकती, कम से कम इसमें लात तो मत मारो। तुझसे जितना पूछा है ना, उतना बता। सामने वाली कंपनी में इंटरव्यू है मेरा। अच्छा, जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, वहाँ पे तू भी जा रहा है इंटरव्यू के लिए? तो फिर लंगड़ा होने के बावजूद भी तू मुझसे कंपेयर करेगा? मैडम, क्या हुआ अगर मैं लंगड़ा हूँ तो? इंटरव्यू तो मैं दे सकता हूँ ना। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। मैडम, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। भाई, कहाँ जा रहा है और इस फाइल में क्या है? भैया, मेरी फाइल दो। अरे, देखने दो, क्या है इस फाइल में? अबे, ये तो तेरा रिज्यूमे है। इंटरव्यू देने जा रहा है? कहाँ जा रहा है इंटरव्यू देने? सामने वाली कंपनी में आज मेरा इंटरव्यू है, बस वहीं जा रहा था। अबे साले, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने मैं जा रहा हूँ उसी कंपनी में तू जाएगा? लंगड़े दिख मत जाइए उस कंपनी में, समझा ना। मैंने सब देख लिया है और मैं भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। अगर मैं जाऊँगा ना, वो लोग मुझे दोबारा परेशान करेंगे। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, आप मेरे साथ चलो ना, आप मेरे साथ चलो। सर, मैं कमिंग? यस, कमिंग। हेलो सर। बैठने के लिए किसने बोला आपको? खड़ा हुई है। तू तू यहाँ क्या कर रहा है लंगड़े? और तुझे यहाँ किसने उठा दिया? ओनर हूँ मैं इस कंपनी का। सॉरी सर, वो हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? जो तुमने मेरे साथ वहाँ रोड पर किया वो मजाक होता है? तुमने क्या किया था मैडम? मैं वहाँ फाइल उठा रहा था अपनी और तुमने आके उसमें लात मारी, वो तुम्हारे लिए मजाक था। उस फाइल में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, तुमने उसमें लात मारी है, वो तुम्हारे लिए मजाक था। और आपने आए पीछे से लात मारी, चाटा मारा, वो तुम्हारे लिए मजाक था। मैं आप दोनों को बताता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम क्या थी। आपने देखा ये लंगड़ा बंदा उसी ऑफिस में जा रहा है जिस ऑफिस में आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, और आपको ये बर्दाश्त नहीं क्योंकि ये आपके ईगो पे आ गई थी कि ये लंगड़ा बंदा हमारे बराबर में बैठ के हमारी बराबरी करेगा लंगड़ा होके। ये चीज़ ना आपको बर्दाश्त नहीं हुई और आपने इस चीज़ को मजाक का नाम दे दिया। चलो ठीक है, आप मजाक कह रहे हो ना, तो मैं भी आपके साथ एक मजाक करता हूँ। मिस्टर नदीम, तुम्हें पता है ये कौन है? इसको मैंने सेलेक्ट किया है इस ऑफिस के लिए, इस जॉब के लिए, क्योंकि जब तुम दोनों ना मेरे साथ बदतमीजी करके गए थे, मुझे परेशान करके गए थे, ये अकेला बंदा था जिसने मेरी हेल्प करी थी, मेरे को सहारा दिया था, मेरे को ऑफिस तक लेके आया था। इस कंपनी को ना सिर्फ और सिर्फ रोबोट नहीं चाहिए कि आएंगे 9 बजे और 6 बजे वापस जाएंगे, बस अपना काम करेंगे। मेरे को इस कंपनी को ना आगे चलाने के लिए इस जैसे ईमानदार लोग चाहिए जो लोगों की हेल्प करें, लोगों के लिए प्यार दिखाएं, ना कि तुम जैसे लोग देखे नहीं कि उनके साथ बदतमीज करना स्टार्ट कर दी। थैंक यू नदीम, मेरी हेल्प करने के लिए। मिस्टर नदीम, वैसे तो इंटरव्यू अकाउंटेंट की जॉब के लिए था, लेकिन मुझे आपकी अच्छाई देख के इतना अच्छा लगा कि मैं आपको मैनेजर की पोस्ट देता हूँ।
थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस कंपनी के लायक समझा। ठीक है नदीम, आप कल से ज्वाइनिंग कर लेना। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइनिंग कर लूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आप दोनों जाइए यहाँ से, गो।